Hey there all folks, to your own channel Swing Stocks, I welcoming you all, me Chopra Rakesh. I hope all you are doing very very well. Disclaimer, invest करने से पहले अपनी research खुद करें, एक stock में 5% से ज़्यादा पैसे मत डालें, अपने financial advisor के भी सलाह लें, stop loss को strictly follow करें. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप 9825681491 पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो. दिवाली स्पेशल दिस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली इन्वेस्टमेंट कॉल मल्टीबैगर पीक है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, जो कि मीडिया सेक्टर से एक मिड कैप कंपनी है, जो कि ट्रेडर्स और सभी इन्वेस्टर की जानी मानी कंपनी है. जी एंटरटेनमेंट में अभी सोनी के साथ जो डील हुई है उससे इस कंपनी को काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है, और इन्वेस्टको को जो भी इस डील से आपत्ति थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के लास्ट डिसीजन से क्लियर हो चुका है, और जी और सोनी की डील का रास्ता भी साफ हो चुका है. तो आइए देखते हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड की फंडामेंटल डिटेल्स. पीयर कंपेरिजन, मीडिया सेक्टर में टोटल 29 कंपनीज है जिसमें से इस कंपनी की मार्केट कैप सबसे बड़ी है, यानी 29 कंपनी में से इस कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी है. जील का शेयर अभी 300 पे क्लोज हुआ है. कंपनी की मार्केट कैप 29,000 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है. 52 वीक हाई एट 362, 52 वीक लो एट 162. अर्निंग पर शेयर एट 10 रुपीज, पी रेशियो एट 29, बुक वैल्यू एट 105, डिविडेंड देता है 2.5 रुपीस का, यानी डिविडेंड यील्ड हो गई 0.80% की. प्राइस टू सेल्स रेशियो 3 times का है. जी एंटरटेनमेंट में अभी जो भारत की ग्रोथ स्टोरी चल रही है उसमें से अगर ग्रोथ स्टोरी आगे भी चलेगी तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू काफ़ी अच्छा आ सकता है, यानी कि प्राइस टू सेल्स रेशियो आगे भी बढ़ सकता है, जिसके हिसाब से यह जी एंटरटेनमेंट हमारी रडार में आई है. तो आने वाले साल में एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड सभी शेयर्स आप ध्यान में रख भी सकते हो. फाइनेंशियल में कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 2018 में 37% की थी, जो कि अभी गिर कर लास्ट ईयर में 8% पर चल रही है. इसमें आगे जाके काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है, अभी रिटर्न ऑन इक्विटी मीडियम है. अर्निंग पर शेयर फॉरकास्टिंग, एक्सपर्ट अर्निंग पर शेयर की फॉरकास्टिंग करंट ईयर के लिए 13 रुपीस की कर रहे हैं. डेप्ट टू इक्विटी रेशियो एट 0.00%, यानी कंपनी प्योर डेप्ट फ्री कंपनी है. शेयर होल्डिंग पैटर्न, FII के पास 57% हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 22%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 8%, म्यूचुअल फंड के पास 7%, प्रमोटर्स के पास 3%, और सोनी के डील के बाद इस शेयर में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आगे जाके बदलाव हो सकता है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है. स्ट्रेंथ ऑफ जील, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, सेकंड गुड कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी, थर्ड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स गुड विथ गुड रेवेन्यू नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, फोर्थ नेट डेप्ट फ्री कंपनी, फिफ्थ बुक वैल्यू पर शेयर इंक्रीजिंग रेगुलरली. वीकनेस ऑफ जील, म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी इसमें घटा रहे हैं. नेक्स्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स आर नॉट गुड, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन आर डिक्लाइन इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स. नेक्स्ट प्रमोटर्स आर प्लेज देयर शेयर्स, प्रमोटर्स ने अपने शेयर जो है वो प्लेज किए हुए हैं, यह बात एक प्रॉब्लम वाली बात है. अपॉर्चुनिटीज ऑफ जील, ब्रोकर्स आर इंक्रीजिंग देयर टारगेट्स इन दिस शेयर. नेक्स्ट 30 डेज SMA क्रॉसिंग 200 डे SMA. थर्ड इम्प्रूविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग रेवेन्यू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन. नेक्स्ट फाइनेंशियली स्ट्रेंथ इज लुकिंग गुड. ड्यूरेबिलिटी 75 out of 100, यानी फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वैल्यूएशन 43 out of 100, फाइनेंशियली मिड वैल्यूएशन.
technical scores, 63 out of 100, technically looking very very bullish. Moving average report, simple moving average, 20 days simple moving average at 306, 50 days at 256, 100 day moving average at 232, 200 day moving average at 220. अगर सभी moving average का slope देखे तो सभी upside पे है, यानी सभी प्रकार medium trend, small trend, long trend, सभी trend bullish है. Gap support and resistance 22 September को इसमें 261 से लेके 281 का एक bullish gap बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा support है. दूसरा gap up 14 सितंबर को हुआ है, जो कि 188 से लेके 205 की रेंज में गैप, बुलिश गैप बना हुआ है. यह दोनों गैप सपोर्ट का एरिया का काम कर सकते हैं. एक्सपर्ट ओपिनियन, ओवरऑल 19 एक्सपर्ट इस शेयर को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें से 95% एक्सपर्ट इस शेयर में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और 5% एक्सपर्ट इस शेयर में सेल करने की भी सलाह दे रहे हैं. और एक साल के लिए टारगेट देखे तो सभी का मिला के लो साइड पर 190 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं और हाई साइड पर 445 की प्रेडिक्शन कर रहे हैं. यहाँ से डाउन साइड देखे तो 100 रुपीज़ की डाउन साइड है, उसके सामने 145 रुपीज़ का फ़ायदा हो सकता है. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में हमारी राय, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड को आप दो भाग में बाय कर सकते हो, 250 और 290 पे. अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हो तो 250 का वेट कर सकते हो, जो कि एक बार हमारे हिसाब से 250 के आने की संभावना बनी हुई है. हमारा टारगेट 500 प्लस का रहेगा. हमारे हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 220 का क्लोजिंग बेसिस पर, फिर भी आप अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस को देख सकते हो. यानी हमारा व्यू यह है कि 220 के नीचे बेरिस है, 220 के ऊपर बुलिस है. अगर उसके बाद वापस 220 के ऊपर जाता है तो इस शेयर में आप वापस बाय कर सकते हो. हमारा टाइम होराइजन दिस दिवाली से लेकर अगली दिवाली का रहेगा. इस टाइम में हमारा पैसा डबल हो सकता है. अगर हमारी आपको यह जी लिमिटेड की स्टॉक पिकिंग और अगर आपको हमारी यह एनालिसिस पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें मित्रों. आपका एक लाइक से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे नए नए शेयर ढूंढते रहेंगे और आपके लिए शानदार स्विंग कॉल और मल्टी बैगर पिक्स भी निकालते रहेंगे. वीडियो को मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो और हमसे जुड़ने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट बॉक्स में डाल दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय फॉर नाउ फॉक्स.